मेरा नाम हनुमान है। प्रभु श्री राम की उदारता देखो, मुझ जैसे सद्बुद्धिहीन व्यक्ति को भी अपना सेवक बना लिया, और सेवक पर तो उनकी विशेष प्रीति रहती है। मैं जानता था माता कि आपके पुण्य प्रताप से ही अग्निदेव मुझे और मेरी पूंछ को नहीं जला सके। मां, मैंने रघुनाथ जी के प्रभाव और आपके आशीर्वाद से लंका के सैन्य बल को बहुत क्षति पहुंचाई है। लंका दुर्ग की मजबूत दीवार और नगर के महान फाटक को भी जला दिया है, जिससे उनकी दुर्ग रचना शक्तिहीन हो जाएगी और श्री राम की सेना के लिए नगर पर अधिकार करना सहल हो जाएगा। कल मैंने छुपकर उनके अस्त्र भंडार भी देख लिए थे, वो भी आज विध्वंस कर आया हूं। मैं तो रावण का भी अंत कर देता, परंतु प्रभु की आज्ञा नहीं थी। प्रभु, आप पूछ रहे हैं कैसी है माता? इससे अच्छा था आप पूछते क्या अभी तक वैदेही देह धारण किए हुए हैं। बाण से बिद होकर जिस प्रकार हिरणी छटपटाती है, जल के बिना जिस प्रकार मीन व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार माता अपने प्राणाधार के दर्शनों को व्याकुल हो रही है। मेरा नाम हनुमान है। प्रभु श्री राम की उदारता देखो, मुझ जैसे सद्बुद्धिहीन व्यक्ति को भी अपना सेवक बना लिया, और सेवक पर तो उनकी विशेष प्रीति रहती है। सो हे विभीषण, प्रभु श्री राम के अनुग्रह पर सदा विश्वास रखना चाहिए, तभी जीव अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रह सकता है। मां, अब आप चिंता न करें, मुझसे यहां का समाचार सुनकर श्री राम लंका पर चढ़ाई कर देंगे। उनके साथ वानर और भालुओं के स्वामी महाराज सुग्रीव बड़े शक्तिशाली राजा हैं। उनकी सेना लंका को चारों ओर से घेर लेगी। अब आप रावण का विनाश हुआ ही समझिए। अब जाने से पहले मुझे अपना आशीर्वाद दो मां। पुत्र, प्रभु तुम्हें बल, शील और गुणों का भंडार बना दे। तुम अजर हो, अमर हो जाओ और सदा श्री रघुनाथ के लाडले रहो।